फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजार के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आज का कम्युनिटी बाजार, शेयर बाजार और आज का आपका राशिफल। जानेंगे कि आज आपके बाजारों के सितारे क्या कहते हैं, क्या आप आज लाभ कमाने की स्थिति में है, आपकी राशियाँ क्या कहती हैं और किन राशियों को आज संभल के चलने की जरूरत रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुप्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल और मार्केट टाइम्स टीवी के सही प्रयासों से एस्ट्रो टेक्निकल का यह शो प्रसारित होता है। आज 11 जनवरी 2022, आज के शो में हम सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज में होने वाली संभावनाएं, शेयर बाजार की हलचल और नॉन एग्रो कमोडिटीज बुलियन यानी सोने चांदी के अंदर क्या संभावना है, इसके ऊपर एस्ट्रो टेक्निकल का मत आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां यानी 1, 5 और 9 मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए दिन आज मिश्रित रह सकता है। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, आपके लिए दिन संभवतः मुक्ति न रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। शेयर बाजार के कारोबारियों को 3 से 4 बजे के बीच में रखना है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। आपको 4 से 5 बजे के बीच में एनसीडेक्स पर रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, आपके लिए दिन संभवतः मुफीद रहे, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, विशेष ख्याल रखें। और शाम के 8 से 9 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी यदि आप एमसीएक्स ट्रेडिंग करते हैं तो। ये था राशियों के आधार पर नफा नुकसान। गौरतलब है कि बाजार ऊपर है या नीचे, क्या बाजार से आज आपका लेनिया है, क्या बाजार में आप लाभ कमा सकते हैं या परेशानी या नुकसान उठा सकते हैं, इसमें राशियों का भी काफी बड़ा योगदान होता है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल जी, तो ये बात करी थी हमने कर्नल जी से कि आज का राशिफल कैसा रह सकता है, कौन सी राशियां लाभ कमाने की स्थिति में है और किन राशियों को आज संभल के चलने की जरूरत है। अब आगे बढ़ेंगे और कर्नल जी से जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ सकता है। कर्नल अजय जी, अगर सबसे पहले कम्युनिटी बाजार में चर्चा करूँ अगर कृषि फसल बाजार की, तो कृषि फसल बाजार में आपने बताया था कि बिनौला खल में जब संभल के चलने की जरूरत होगी तो आप पहले से ही आग्रह कर देंगे। हम देख रहे हैं कि NCDEX पर बिनौला खल का वायदा बाजार अब धीरे धीरे थोड़ा गिरावट की ओर जाता जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में ये सही वक्त अभी संभल जाने का? अखिलेश जी देखिए, कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल केक, कॉटन सीड ऑयल केक के जब दाम अपनी क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पे आते हैं या उसको क्रॉस करने लगते हैं तो उसमें एक पॉज आना लाजमी है, स्वाभाविक है और आज कमजोरी की संभावना बन सकती है। क्योंकि गौरतलब है कि ये कपास खली जो है, बिनोला खल है, ये पशु आहार में इस्तेमाल होती है और पशु आहार के अंदर यदि आप दाम उसके एक सीमा से एक्सट्रीम ऊपर चले जाएंगे तो पशुपालक के या किसान के पास उस पशु आहार के अंदर दूसरी चीजों का समावेश करना उसके लिए मजबूरी बन जाएगा जी। और यही वजह है कि कपास खली के दाम यदि एक सीमा से ऊपर जा रहे हैं तो उसको कोई रोकने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो रुक जाएगी जी। क्योंकि किसान माल ही नहीं खरीदेगा या पशुपालक माल ही नहीं खरीदेगा, डेयरी के अंदर दूसरी चीजों की मिलावट होनी चालू हो जाएगी, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मक्का हो या जो दूसरी चीज है वो उसके अंदर शामिल करने लग जाएंगे। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत ही बैलेंस गेम है। यदि खल, चाहे वो सोया की खल हो, चाहे मूंगफली की हो, चाहे और दूसरी ऑयल सीड की हो,
उनके दामों के बनस्पत का बिनौला खल की जो कीमत है वो कम है, इसी वजह से पशुपालक इसका इस्तेमाल करते हैं, डेयरी उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। यदि इसके दाम एक सीमा से बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर लगाम लग जाएगी। और ये भी लोगों का, कुछ लोगों का कहना है इसमें सट्टेबाजी हो रही है, इसके अंदर ये अप्रत्यक्षित रूप से रेट बढ़ रहे हैं, ये भी मैं इस चीज पर मैं सहमत नहीं हूं। एनसीडीएक्स के ऊपर एक भाव है तो पूरे देश के अंदर एक किसान हो या कारोबारी हो या कोई भी हो वो भाव देख लेता है। यदि वो एनसीडीएक्स पे भाव नहीं हो के फिर आप कहां देखेंगे, फिर आप हर मंडी के अंदर हर उसके अंदर अलग अलग भाव होते हैं, कहां आप उसको एक एक ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो स्पॉट के प्राइसेस को आप लगातार आपको दिखाए। यदि आपको एनसीडीएक्स के अंदर यदि कोई कहता है सट्टेबाजी है तो स्पॉट की प्राइसेस एक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि किसान अपना देख ले या कारोबारी भाव देख ले। जब भाव देखने का ही एक एनसीडीएक्स का काम है और तेजी और मंदी का काम, क्योंकि जो तेजी कर रहे हैं वो तेजी यदि फिजिकल में भी करेंगे, माल रोक के करेंगे, आप क्या कर सकते हो उसका। लेकिन पॉइंट ये रहता है कि एनसीडीएक्स में कम मार्जिन लग के आप माल बड़ा खड़ा कर सकते हो, ये तो पूरे वर्ल्ड में होता है। ये आप चाहे अमेरिका देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, मलेशिया देख लो, इंडोनेशिया देख लो, सब जगह ऑयल का काम है या कॉटन है, तो कॉटन के काम है ना, उसमें कहां समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि अपनी नाकामयाबी का या अपनी फेलियर का जिम्मेदारी दूसरों पर डालना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कॉटन के दाम घटेंगे तो कॉटन के किसानों को नुकसान होगा, कॉटन के दाम घटेंगे तो ही कॉटन सीड के दाम घटेंगे, और कॉटन सीड के दाम घटेंगे तो ही आपके कॉटन सीड ऑयल केक के दाम घटेंगे। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है जी। जब तक कॉटन के भाव आकाश में छू रहे हैं, आप कॉटन सीड का भाव कैसे कम हो सकता है, और कॉटन सीड का भाव यदि कम नहीं होगा तो आप खल के भाव कैसे कम हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये गणित समझनी पड़ेगी। लेकिन खल और कॉटन सीड और कॉटन के अंदर फर्क इतना है कि खल का जो अल्टरनेट उपलब्ध है थोड़ा बहुत, बाकी चीज का नहीं है। तो कपास खली के दामों में आज कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं, और जो हाजिर के अंदर काम करते हैं उनको थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। कल भी ये 3328 पे क्लोज थी और आज ओपन भी 3317 पे हुई, और ये लो इसने 3300 रुपए का लगा रखा है और 3299 3300 का इसका लो है। मुझे लगता है कि आज कमजोरी इसमें बन सकती है। इसके अतिरिक्त एक और कमोडिटी है जिसमें मुझे आज कमजोरी नजर आ रही है, वो है जीरा। जीरे के अंदर हमने लगातार तेजी की बात कही थी, लेकिन एक सीमा के बाद जाने के बाद उसमें मुनाफा वसूली होती है। तो आज यदि इंटरडे के अंदर जो काम कर रहे हैं उनको जीरा खरीदने से बचना चाहिए, वहां पर जीरे की कमजोरी बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि आज जीरा और बिनौला खल में कमजोरी की संभावना बनती नजर आ रही है। कर्नल जी, बात करें यहां से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ग्वार गम और ग्वार सीड 11,400 के ऊपर ग्वार गम है और 6,300 के ऊपर ग्वार सीड ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से तेजी और बनेगी या फिर यहां से करेक्शन बनेगी या फिर यहां पे ऐसी उठापटक जारी रहेगी? अखिलेश जी, मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव और अपनी कैलकुलेशन के आधार पर, जनवरी महीने के अंदर सर्वाधिक जनवरी कह लें, फरवरी की शुरुआत कह लें, ये एक पीरियड ऐसा महत्वपूर्ण पीरियड होगा जो गवार सीड के अंदर सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी लेके आएगा जी। और ये पीरियड ही अगली तेजी या मंदी का निर्णायक बोर्ड साबित होगा जी। क्योंकि गवार सीड के फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने आपसे विशेष चर्चा पहले भी की है, दोबारा भी आपसे बात कर लेता हूं। लेकिन निर्णायक मोड जो है, क्योंकि यदि हम गवार को देखें कि गवार का लगभग 4,100-4,400 रुपए का भाव और फिजिकल के अंदर ये पिछले 1.5 साल से यदि देखें पहले का समय, तो उस समय लगभग ये 3,500-3,600 से और 4,200 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और उसके खिलाफ यदि देखा जाए तो ये 6,200 भाव है, 6,000 से ऊपर के भाव जो एनसीडीएक्स पे अभी चल रहे हैं, तो पिछले यदि एवरेज भाव देखें 5 साल से 8 साल के 10 साल के भाव, उसके मुताबिक ये अच्छी तेजी दर्ज हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ इतना सा ये रहता है, क्योंकि गवार जब तेजी दिखाता है या मंदी दिखाता है, जब तेजी दिखाता है तो इतनी तेजी दिखा देता है कि आसमान भी छोटा पड़ने लगता है, और जब नीचे गिरावट करता है तो बिल्कुल ऐसा कर देता है कि 5-7 साल 8 साल 9 साल
इसकी कोई सुधि नहीं होती और ये बिल्कुल बेसुध और साइड में पड़ा रहता है। तो ये इसकी एक जो विशेषता है, उसी विशेषता के आधार पर किसान है या कारोबारी है ये एक्सट्रीम लेवल पर इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं करता, क्योंकि यदि 4000 का भाव देखा जाए तो आप 6100-6200 का भाव चल रहा है, तो इसके अंदर एक अच्छी तेजी दर्ज हो चुकी है कि इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी आ रही है। 6347 का भाव अभी चलता है, 6356 का हाई है, तो ये 6300 यदि 4000 के हिसाब से देखें तो लगभग 50% से अधिक की तेजी दर्ज हो चुकी है। और गवार गम के अंदर भी देखें 11455 के आसपास का जो भाव चलता है, तो कुल मिला के यदि आंकड़ों की तरफ आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई उससे तथ्य निकलेगा नहीं, क्योंकि गवार के कारोबारी है और गवार के किसान उत्पादक इसको हाईएस्ट और सुपर बुलिश मोमेंट देखने की उम्मीद उनके पास होती है। तो यही मैं कहूंगा कि गवार सीड के अंदर अब थोड़े से बच के चलना चाहिए, थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो निर्णायक मोड साबित होगा कि क्या गवार 8000, 7500, 7000 के स्तर पर पहुंचेगा या फिर नीचे ये 5000 से नीचे चला जाएगा या 5800 से नीचे चला जाएगा, 5500 से नीचे चला जाएगा, ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहूंगा कि जो छोटे कारोबारी है उनको बचना चाहिए, जो दिल के मजबूत हैं, को रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अंदर वो झेल सकते हैं, उनको गवार के अंदर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आज गवार के अंदर थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि जनवरी और फरवरी की शुरुआत कर्नल अजय जी के मुताबिक गवार कॉम्प्लेक्स में आगे जाके तेजी की ओर जाएगा या मंदी की ओर, इस दिशा को तय करेगा जनवरी और फरवरी का महीना। यहीं से कर्नल अजय जी बात करें अगर अब नॉन एग्री कम्युनिटीज़ की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में अगर सबसे पहले बात की जाए सोने चांदी की, तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि एक दो दिन सोना इंटरनेशनल मार्केट में $1800 के ऊपर रहता है, फिर अगले ही दिन नीचे $1800 के नीचे बनता नज़र आता है। चांदी भी इसी तरह से ट्रेड करती नज़र आ रही है, एक दो दिन तेजी रहेगी तो वहीं उसके अगले दिन गिरावट बन जाएगी, थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला माहौल सा बन गया है। आपको क्या लगता है, क्या सोने चांदी में अभी ये वॉलेटिलिटी उठापटक जारी रहेगी? देखिए, जो सोना है यानी गोल्ड है, इसका सीधा संबंध इन्फ्लेशन से होता है जी। इसका सीधा संबंध जियोपॉलिटिकल टेंशन से होता है, इसका सीधा संबंध इंटरेस्ट रेट से होता है। जब जब बाजारों के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, जियोपॉलिटिकल टेंशन रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, तो गोल्ड के प्राइसेस हमेशा ऊंचे जाएंगे जी। जहां जहां निश्चितता आने लगती है, बाजार एक तरफा चलने लगते हैं, सकारात्मक रुख शेयर बाजार और बाकी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में आने लगता है, वहां पर सोने की मांग घटने लगती है, क्योंकि गोल्ड जो है वो हेजर है, गोल्ड जो है वॉलेटिलिटी के खिलाफ काम करने का एक हेजिंग टूल है जी। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी रूप में काम करता है। तो जैसे जैसे बाजार यदि आप देखें, कैपिटल मार्केट यानी दो तरह के होते हैं, एक तो आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वाले जो है, और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट जो आपका शेयर बाजार है, और इसके बरखिलाफ मनी मार्केट है जो कि बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, ये सब मनी मार्केट है। और जो गोल्ड जो है, दोनों ही यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जब अनिश्चितता बढ़ेगी तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं निश्चितता के रूप में, उन्हें लगता है कि गोल्ड में सुरक्षित निवेश करना होगा। आपको याद हो कि जब नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन का हुआ की बात हुई थी, और उस वक्त गोल्ड ने सबसे ज्यादा छलांग लगा दी थी, क्योंकि लोगों को लगा कि अपना ये पैसा गोल्ड में लगा दिया जाए और गोल्ड सुरक्षित हो जाएगा। और उसी तरह से जब भी कभी जियोपॉलिटिकल टेंशन है या कोई बहुत ज्यादा कोई अनसर्टेनिटी होती है तो निवेशक गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो ये एक फंडामेंटल है, इसको समझना जरूरी है ताकि आपका आपकी बात का जवाब मैं दे सकूं। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे गोल्ड के अंदर यदि लंबी से मध्यम अवधि तक के निवेश को देखा जाए तो गोल्ड के अंदर अब ये जो $1750 से $1800 के बीच में काफी समय हो गया है। अब मुझे लगता है कि इसके अंदर फ्रेश बाइंग बननी चाहिए। $30-40 का यदि कोई रिस्क लेके गोल्ड के अंदर 2 से 3 महीने का नजरिया रख ले तो उसको मुझे लगता है कि ये $1900 क्रॉस कर सकता है। और ये तो था लगभग 2 से 3 महीने का व्यू,
और अभी साढ़े डेढ़ साल का व्यू देखा जाए तो ये 2000 और 2100 डॉलर तक की संभावना बनेगी। अब आ गया बिल्कुल छोटी अवधि का एक या दो दिन के का व्यू, तो एक या दो दिन के अंत के व्यू के अंदर मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर यहां से तेजी बन सकती है और गोल्ड के अंदर 200 से 150 से 200 रुपए की तेजी की संभावनाएं एक या दो ट्रेडिंग सेशन में बनने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो ये मेरा नजरिया एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर आज तक प्रस्तुत की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, हर शो में आपको आगाह करता हूं, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपने सलाहकार से अवश्य राय कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी क्षमताओं से बढ़कर बिल्कुल काम ना करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखें, यानी आपको कितना रिस्क ले सकते हो और उस रिस्क के ऊपर कितना आप कमा सकते हो, इसका इस अनुपात का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, तो लंबे समय तक आप शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और एग्रोजींस में कमाने की स्थिति में रहेंगे। यदि कैपिटल आपकी 10 लाख है, काम आप 5 करोड़ का करेंगे, तो निश्चित माने कोई भी एनालिसिस या कोई भी व्यापारिक तरीका आपको बचा नहीं पाएगा। आपका जिंदा रहना, आपका कमाना, NCDX हो या MCX हो या NSE हो या फिजिकल मार्केट हो, ये बुनियादी उसूल आपको रखना ही पड़ेगा। चाहे आप फिजिकल में भी काम कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी क्षमताओं से 10 गुना काम करेंगे, तो भाई साहब वहां भी आपको परेशानी आएगी ही आएगी। ये मेरा आपको हिदायत है या चेतावनी है या आपसे रिक्वेस्ट है। जी अखिलेश जी, यही से कल जी बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आज कैसा रुझान रह सकता है और किन स्टॉक्स में आज निवेश करके चला जा सकता है? देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं यही कहूंगा कि अभी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि फरवरी बिल्कुल सर पर है और बजट आधारित स्टॉक पे हमें नजर रखनी चाहिए। आने वाला समय के अंदर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, इंडस्ट्री बेस्ड अप्रोच रखें तो बेहतर रहेगा। इसके अंदर जो आने वाले कुछ समय के लिए, जैसे फर्टिलाइजर है, बैंक्स हैं, मेटल हैं और सीमेंट है, और स्टील स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। इसमें विशेषकर NFL है, उस पर आप नजर रख सकते हैं। सीमेंट के अंदर इंडिया सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसके अंदर नजर रख सकते हैं। बैंक्स के अंदर HDFC बैंक है, ICICI बैंक है और SBI पे नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, BEML, इन स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि बजट के अंदर मुझे लगता है कि डिफेंस के ऊपर काफी जोर रहेगा। किसानों को खुश करने की काफी कवायद रहेगी, क्योंकि 5 राज्यों के इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं, तो इन सबको देखते हुए किसानों को नाराज करना बिल्कुल संभव नहीं रहेगा। फर्टिलाइजर है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, ट्रैक्टर बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जो उसमें चाहे महिंद्रा या न महिंद्रा, इनके ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को जब तक डेवलप नहीं करेंगे, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो सीमेंट और लोहे की रिक्वायरमेंट होगी होगी, इसके बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो नहीं सकता। चाहे ब्रिजेज हो, चाहे भंडारण हो, चाहे सड़कें हो, इन सबका इस्तेमाल इसमें होना ही होना है। तो कुल मिला के कोर इंडस्ट्री के ऊपर आप नजर रखें। इसके अतिरिक्त बैंकिंग इंडस्ट्री जब तक मजबूत नहीं होगी, आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को नहीं बना सकते। इसमें सरकारी बैंकों का अपना रोल है, तो SBI, PNB जैसे स्टॉक को रखिए, और HDFC बैंक और ICICI बैंक जो देश के सबसे बड़े बैंकों में से कम मार्केट कैप की नजर में है, उनके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। तो कुल मिला के मेरा नजरिया ये रहेगा कि अभी टाइम निवेश का है, धीरे धीरे निवेश करें और अच्छा रिटर्न आपको 1 से 1.5 महीने में मिलने की उम्मीद है, कि बजट के हिसाब से और को नजरिया रख के आप निवेश कर लें तो बेहतर रहेगा। जी अखिलेश जी, जी तो यानी कि स्टॉक मार्केट में अभी जो बजट आने वाला है उसके मद्देनजर अभी निवेश करने का सही समय है, स्टॉक मार्केट्स में अभी निवेश करके चला जा सकता है कर्नल अजीज के मुताबिक। और आगे एग्रीकल्चर फंड के लिए भी जो सरकार है वो और कदम उठा सकती है, कृषि क्षेत्र में सरकार इस बार किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकती है, ऐसा कर्नल अजय जी का मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका राशिफल, कम्युनिटी बाजार और शेयर बाजार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।